control A, C, control M, enter, control V. This file to M name, this file to copy, photo PD, control C, इसके लिए कंट्रोल डी किया, कंट्रोल टी, इसको छोटा किया, ना, स्पेस पर रखी है, इसको कंट्रोल यू से सैचुरेट कर लिया, इसको कंट्रोल एल से इसका लेबल टिक किया अब नीचे बैकग्राउंड की कॉपी किया कंट्रोल जी से उसको फिल्टर में जाके थोड़ा ब्लर किया गॉशियन ब्लर के फिर जो लेयर वन की कॉपी है इसको फिल्टर में जाके लेयर में जाके इसका डुप्लीकेट लेयर किया डुप्लीकेट लेयर पे न्यू लेयर बनाया इसका नाम डिस्प्लेसमेंट किया इसको ओके किया इस डिस्प्लेसमेंट को जब बंद करेंगे ये सेव करने को बोलेगा इसको सेव करेंगे और इसका डिस्प्लेसमेंट नेम रिप्लेस हो जाएगा ओके अब ये हमारा लेयर टू है इस लेयर टू की मास्किंग करके ये पहले मास्किंग ऑन की यहाँ से और फिर इसको इसको क्यों किया क्यों से इसका सिलेक्शन क्विक मार्क्स सिलेक्शन हो जाएगा कंट्रोल सी टाई सी केबल फेस अलग हो जाएगा इसको कंट्रोल जे करेंगे तो ये अलग हो जाएगा और इसको इसका ओरिजिनल वाला है इसको टेल कर दिया इसकी ज़रूरत नहीं है जो तो हमारा ये इस को करना है उसको सेलेक्ट करके उस पर इफेक्ट अप्लाई किया उसको डिस्टॉर्ट इफेक्ट अप्लाई करना है और डिस्प्लेस करना है इसको डिस्प्लेसमेंट यहाँ से अप्लाई करेंगे डिस्प्लेस हो जाएगा ये हमारा अभी पूरा डिस्प्लेस हो जाने के बाद इसकी कॉपी किया कंट्रोल पे से इस कॉपी पे इसके प्लान को ब्लेंडिंग मोड पे जाके इसको मल्टीप्लाई कर दूँ और इस लेयर का के इसको डबल क्लिक करेंगे और इसको कलर ओवरले करेंगे कलर ओवरले को इसका कलर का कोड चेंज करेंगे 736D69 और ये हमारा ओके हो जाएगा इसका जो ये ब्लेंड मोड है इसको कलर डॉच कर देंगे और इसको ओके कर देंगे अब जो इसके नीचे का लेयर है उस लेयर को सिलेक्ट करके इसके जाके इसको ओवरले कर देंगे ये पीछे का पैटर्न पूरा हमारे इसमें आ जाएगा और इस
इसका ऑपोजिट ही हम 20 रखेंगे। अब हम इसके लेयर फर्स्ट पे जाएंगे और इसको कंट्रोल एम से ऊपर करेंगे ऐसे, और फिर इसको यहाँ से नीचे करेंगे, तो यहाँ से थोड़ा इसका लाइट बढ़ा देंगे। इसको यहाँ से मास्क करेंगे और मास्क करने के बाद इसका साइज बढ़ा करके जो एक्स्ट्रा बाउंड्री दिख रही है इसको हटा देंगे और जो फेस का इफेक्ट हमारा कान पे आ जाएगा। ये फोटोशॉप का डिस्प्लेसमेंट कमांड है, इसको देख के करिएगा, अच्छा कमांड है, अच्छा लगेगा कटिंग आपको।